इस दशक के प्रारंभ में ही हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो संयुक्त सदन में अपना उद्बोधन दिया वो अपने आप में इस चुनौतियों भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला, नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। राष्ट्रपति जी का इस दशक का प्रथम भाषण हुआ, लेकिन ये भी सही है कि जरा पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत से अपेक्षाएं भी हैं और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत ये कर लेगा, दुनिया की बहुतेक समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा। ये विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए बड़ा है। महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूंगा। गुप्त जी ने कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा था। लेकिन मैं सोच रहा था इस कालखंड में 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते। मैं कल्पना करता था कि वो लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बाधा हर बाधा हर बंदिश को तोड़, हर बाधा हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया के मानव जाति की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। ऐसी बातों में न उलझे जो देश के मनोबल को तोड़ते हैं, जो देश के सामर्थ्य को नीचा आंकते हैं, इससे कभी लाभ, इससे कभी लाभ नहीं होता है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं जी, जब चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये छोटी चीजें नहीं है, इसका गर्व करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और इन सब के प्रयासों का परिणाम है
कि देश ने आज ये करके दिखाया। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे, ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है। इसका हम गौरव करें और उसी में से एक नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है। हमने उस नए आत्मविश्वास की प्रेरणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसी मेरे देश में चल रहा है। विश्व में फार्मेसी के हब के रूप में भारत उभर करके आया। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है। मानव जाति की रक्षा के लिए हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा। कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं, सारी बातें बाहर आ रही हैं, लेकिन भारत है जहां रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। ये देश की ताकत देखिए, हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और जिसका विश्व में जय जयकार होने लगा है, इसी धरती पर हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के पहले 5 देशों में हमने अपनी जगह बना ली है और आने वाले दिनों में हम ऊपर ही चढ़ते जाने वाले हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। आदरणीय सभापति जी, 2014 में जब पहली बार मैं इस सदन में आया था, इस परिसर में आया था और मुझे नेता के रूप में जब चुना गया था, तो मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात को दोहरा रहा हूं और हम न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है, उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। अगर हम समस्या का हिस्सा बने तो राजनीति तो चल जाएगी, लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं तो राष्ट्रनीति को 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई, किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए, छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपए उसके क्लेम किसानों को मिले। हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, हमने उसका तो दायरा फिशरमैन तक भी बढ़ा दिया ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। हम एक योजना ले आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना,
1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान उनके पास गया। उसी प्रकार से हमने यूरिया का निमकोटी 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रिकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। हम कहते हैं अन्नदाता ऊर्जादाता बने, उसके खेत में ही वो अपने सोलार सिस्टम से ऊर्जा भी पैदा करे, सोलार पंप चलाए, अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करे, उसके खर्च को बोझ को बंद करे, और फसल एक लेता है तो दो ले, दो लेता है तो तीन ले, क्रॉप पैटर्न में बदल करना है तो बदल कर सके, उसकी दिशा में हम जा सकते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना चाहिए। FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया FDI नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा। और ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है। आत्मनिर्भर भारत ये किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प होने चाहिए। आत्मनिर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो। हमारे देश की नारी शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को संभाला, परिस्थितियों को संभाला है। कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम। और मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका हमारी माताएं बहनें निभाएगी, मुझे पूरे विश्वास है। जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारी युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर दिए देने का प्रयास हुआ है। कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है। हर हिंदुस्तानी के बात पर गर्व है।